या के है सीरीज और पैरेलल सर्किट्स को थोड़ा डिफाइन करेंगे और हम देखेंगे कि सीरीज और पैरेलल सर्किट्स किस तरह के हैं जो लोग इलेक्ट्रोसिटी और मैग्नेटिज्म में थोड़े नए हैं उनके लिए हम थोड़ा ये है कि वो सीरीज और पैरेलल का उनको थोड़ा आइडिया होगा। ठीक है, सीरीज में हम क्या करते हैं, पैरेलल में क्या करते हैं। अभी जो शुरू में सर्किट्स देखेंगे उनमें हम सिर्फ रजिस्टर लगाएंगे, नाम कैपेसिटर लगाएंगे, नाम इंडक्टर लगाएंगे। ठीक हो गया, और रजिस्टर्स को हम देखेंगे। अब ये आप एक सर्किट देखें, ये अभी सीरीज का, और सीरीज में आपको पता होना चाहिए बेसिक रूल्स हैं, वो आपको पता होना चाहिए। सीरीज में जो है वो करंट सेम होता है हमेशा एक पाथ का, और पैरेलल में जितनी भी चीज़ें लगी हो उनमें वोल्टेज जो उन सबको मिल रहा होता है वो सेम होता है। ठीक है, अभी एक सर्किट है ये सीरीज का, ठीक हो गया। इसमें 2K 3K 4K 5K ये चार रजिस्टर आपके लगे हुए, ठीक है। और अभी आप ये जानना चाहते हैं कि इनमें से करंट कितना पास हो गया। ठीक है, तो सीरीज में जो रजिस्टर लगे होते हैं, सीरीज में रजिस्टर ऐड हो जाते हैं, और पैरेलल में जो कैपेसिटर होते हैं वो उनकी जो वैल्यू होती है वो कम हो जाती है, मिनिमम से भी कम होती है। अभी ये 2K 3K 4K 5K, तो इनको अगर आप ऐड करें तो ये आपका हो गया 9 10 11 12 13 14। तो इसको आप ऐसे समझ लें कि 14K का रजिस्टर लगा हुआ है, और आप करंट निकालना चाहते हैं तो आप निकालेंगे I = V/R 14K। ठीक है, और ये मिली एम्पियर में आपका 0.8 इस तरह, ये मिली एम्पियर इस तरह आपका करंट आ जाएगा, और ये करंट यहाँ से भी आपका, ये आपका करंट पास हो रहा है। ठीक है, अभी दूसरी चीज़ एक याद रखने वाली बात है कि सीरीज में करंट हमेशा सेम रहता है। आप ये नहीं देखेंगे कि 2K से आगे यहाँ पे करंट कुछ हो रहा है, यहाँ पे करंट कुछ हो रहा है, यहाँ पे करंट कुछ हो रहा है। जब किसी चीज़ का एक पाथ हो, कोई और मल्टी पाथ ना हो, सिंगल एक पाथ हो और उसमें कोई आगे डिवीजन ना हो। मिसाल है कि अगर इधर एक ये रजिस्टर लगा होता तो करंट डिवाइड हो जाता है, यहाँ से जो करंट आता है वो कुछ यहाँ पे चला जाता है, कुछ यहाँ पे चला जाता है। ठीक है, मगर अभी पाथ सिंगल है, कोई भी चीज़ नहीं लगी, ठीक है, कोई भी चीज़ नहीं लगी, तो हमने निकाला 0.8 मिली, तो ये 0.8 मिली यहाँ से भी गुजर रहा है, ये 0.8 मिली यहाँ से भी गुजर रहा है, ये तो ये जो जितनी भी ये वायर जा रही है आपकी 0.8 मिली इस सारी वायर में से गुजर रहा है। ठीक है, करंट पूरी वायर के दौरान, क्योंकि एक पाथ है पूरी वायर के दौरान करंट सेम होगा। मगर हमने करंट किस तरह निकाला, हमने देखा कि ये जो रजिस्टर लगे ऐड हो गए, ये चार रजिस्टर आप लगाएंगे इनकी जगह पे, एक 14K का लगाए वो बाहर देख गए और करंट हमने देख लिया सेम है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि पैरेलल में हम ये पहले देखेंगे, पैरेलल में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि जो रजिस्टर है वो हमें कैसे पता लगेगा पैरेलल। पैरेलल हम इस तरह देखेंगे कि जितनी भी चीज़ें हैं सब की आप देखें, 2 लेग्स हैं सारे रजिस्टर्स की, और इनकी ये लेग्स सब की ज्वाइन है, और ये ऊपर वाली भी लेग आप देखें सब की ज्वाइन है। ठीक है, ये आप देख लें, ये पूरी लेग्स इनकी ज्वाइन है और ये पूरी लेग्स इनकी ज्वाइन है। ये सर्किट जो है ये पैरेलल सर्किट है। ठीक है, इसमें करंट सेम नहीं होगा, इसमें जो है आपका वो वोल्टेज सेम होगी, मतलब कि इस रजिस्टर इसको 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 चारों को 12 वोल्ट मिल रहे होंगे इस पूरी वायर में। यहाँ पे यहाँ ये जो पूरा कनेक्शन है यहाँ पे 12 वोल्ट है, और ये जो पूरी वायर है इसके अंदर 0 वोल्ट है। ठीक है, अभी दूसरी एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि जो आपकी एक पूरी वायर होती है वो आपका पूरा एक लोड होता है। आप कभी भी लाइफ में इस तरह नहीं आप कह सकते कि इस पॉइंट के ऊपर जब इनके दरम्यान में कोशिश करें कि इस पॉइंट पे आप कहें कि वोल्टेज 0 है, इस पॉइंट पे आप कहें कि वोल्टेज 8 वोल्ट है या 10 वोल्ट है या कुछ भी है। एक वायर जब होगी, एक वायर पूरा एक नोड है, उसके ऊपर जब तक दरम्यान में कोई और चीज़ नहीं होगी तो वोल्टेज पूरी सेम होगी। ठीक हो गया, अब हमने देखा कि 12 वोल्ट लगे, चारों को 12 वोल्ट मिल गए हैं, मगर करंट इनका I1, I2, I3, I4 चारों के करंट कितने गुजर रहे हैं। ठीक हो गया, उसके लिए हम इस तरह देखेंगे, सिंगल सबका करंट निकालने के लिए हम ये करेंगे कि 2K इसको वोल्टेज मिल रही है 12, और इसकी वैल्यू है 2K, इसकी वैल्यू है 2K, और इसमें से इतना करंट गुजर जाएगा। 4K अगर हम देखें तो इसमें 12 वोल्ट मिल रहे हैं, और ये 4K इसकी वैल्यू, इसमें से इतना करंट गुजर जाएगा। ठीक है, और टोटल करंट जो यहाँ से ड्रा होगा, जो यहाँ पे ड्रा होगा इस बैटरी के लिए, वो करंट कितना होगा, वो हम इस तरह देखेंगे कि ये सारे रजिस्टर क्योंकि ये पैरेलल में लगे हुए हैं, तो पैरेलल में जब भी सारे रजिस्टर लगते हैं तो वो पैरेलल में लगी हुई जो मिनिमम वैल्यू होती है उससे भी कम होती है। अब हम देखेंगे यहाँ पे 5K 4K 3K 2K लगा हुआ है, तो इनमें सबसे मिनिमम है 2K, तो अब जो इनकी नेट रजिस्टेंस बनेगी वो 2K से भी कम होगी। किस तरह, हम करेंगे 1/I R total = 1/2
प्लस वन ओवर थ्री प्लस वन ओवर फोर प्लस वन ओवर फाइव, ठीक है। और आर टी जो हमारी निकलेगी वो आर टी लेस देन होगी टू के, ठीक है। पैरेलल में रेजिस्टेंस गिर गई और इस तरह टोटल आर टी निकलेगी। टोटल आर टी से हम टोटल करंट निकाल लेंगे जो यहाँ पर ड्राइव हो रहा है, मगर जो यहाँ पे करंट जा रहा है वो इन एक दो तीन चार इन चारों में डिवाइड हो जाएगा और वो कम हो जाएगा, ठीक है। दूसरा आप ये सर्किट देख लें कि इसमें अब आप देखें कि टू के और फोर के क्या पैरेलल है दूसरे के या नहीं। अभी आप इसको और इसको एक दूसरे के पैरेलल नहीं कह सकते, क्यों? पैरेलल के लिए आप देखें कि ये वाली जो इनकी लेग है वो ज्वाइन है, मगर ये वाली जो लेग है वो आप देखें कि इसके पॉइंट और इसके दरमियान में एक और रजिस्टर आ गया। जब इन दोनों के दरमियान में एक और रजिस्टर आ गया तो अब ये दोनों पैरेलल नहीं है। पैरेलल ये तब होते जब थ्री के ना होता और ये कनेक्शन में इनका पूरा होता तो ये पैरेलल होते, ठीक है। और पैरेलल की लिहाज से हम इनको देख लेते हैं। दूसरी चीज़ आपने याद रखनी है कि एक सर्किट जो होता है उसमें ज़रूरी नहीं कि सारे पैरेलल हो, ये सारे सीरीज में हो। जो सीरीज में होंगे उनको आपने उस लिहाज से देखना और जो पैरेलल होंगे आपने उनको उस लिहाज से देखना और उस लिहाज से उनकी एडिशन करनी है। अब इस सर्किट में अब मैं टोटल करंट जानना चाहता हूँ और मैं ये जानना चाहता हूँ थ्री के में से कितना गुजर है, फोर के में से कितना गुजर है, टू के में से कितना पास हो रहा है, ठीक है। पहले मैं टोटल करंट किस तरह मालूम करूँगा, टोटल करंट में इस तरह मालूम करूँगा कि ये दो रेजिस्टर जो अगर आप देखें तो ये सीरीज में है, ये एक पॉइंट से ज्वाइन है और ये एक सीरीज की चल रही है और ये दोनों रजिस्टर सीरीज में है। ये आपको देख के पता लग जाना चाहिए ये दोनों रजिस्टर सीरीज में है। सीरीज में हम एडिशन करते हैं फोर और थ्री, ये सेवन के होंगे, ठीक है। फोर और थ्री सेवन के हमने कर दिया, हम इसको दोबारा डिजाइन इस तरह कर सकते हैं, ये हमारी बैटरी आ गई और ये हमारा टू के का रजिस्टर आ गया और इन दोनों को हमने बना दिया कि ये सीरीज में ऐड होकर सेवन के हो गए, तो ये हमारा सेवन के का रजिस्टर आ गया, ठीक हो गया। और ये हमारी 12 वोल्ट की बैटरी आ गई। अब हम इस सर्किट ये और ये की सर्किट है, इस सर्किट से हम इस सर्किट में चले गए। अब इस सर्किट में हमने देखा कि ये दो रजिस्टर लगे हैं। अब आप देखेंगे ये सीरीज में या पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल हैं, ठीक है। यानी कि इसको दोबारा मिल रही है ऊपर और ये ग्राउंड, इन दोनों को बाहर मिल रही है। टोटल ये कितनी वैल्यू है? अब ये पैरेलल में लगे तो इनके पैरेलल का फार्मूला लगेगा। पैरेलल का फार्मूला क्या होगा? वन ओवर आर टी टोटल इज इक्वल टू वन ओवर टू प्लस वन ओवर सेवन, ठीक हो गया। ये आर टी निकलेगी, ठीक है। और आर टी आपको पता है कि ये दो लगे हुए मिनिमम टू के है, तो ये टू के से भी कम होगा। टू के से भी कम होगी कोई वैल्यू 1.9 1.8 कुछ इस तरह वैल्यू होगी, वो आर टी टोटल होगा, ठीक है। लेट्स सपोज 1.9 के होता है, ठीक है। अब इस की जगह आप एक और सर्किट भी बना सकते हैं, वो सर्किट हम इस तरह बना लेंगे कि ये आपकी 12 वोल्ट की बैटरी लगी और ये आपका एक ही रजिस्टर लग गया 1.9 के, ठीक है। अब ये तीनों सर्किट देखते हैं, यानी कि अगर आप एक सर्किट इस तरह बनाएं, ये तीन इस तरह लगाएं, एक टू के और सेवन के का इस कॉन्फ़िगरेशन में लगाएं या एक 1.9 के का इस कॉन्फ़िगरेशन में लगाएं, ये तीनों सेम है, यानी कि तीनों सूरत में जो करंट पास होगा वो बैटरी से सेम पास होगा, ठीक हो गया। यानी कि आप इस टोटल करंट को आप इस तरह देख लेंगे, आई इज इक्वल टू वी ओवर आर, वी आपकी 12 और आर नेट जो है आपका वो कितना है 1.9 है, 1.9 और ये टोटल आई टोटल आपका आ जाएगा, ठीक है। यानी आई टोटल जो यहाँ से पास हो रहा है, आई टोटल जो यहाँ से पास हो रहा है, आई टोटल जो यहाँ से पास हो रहा है। मगर अगर हम बात करेंगे इनकी जो ये रजिस्टर लगे हुए हैं तो इन सब में अलग अलग करंट पास होगा, किस तरह के यहाँ पे आपने देखा कि आप आई इक्वल टू वी ओवर आर करते हैं 12 ओवर 1.9, तो ये आपका हो जाएगा 5.8 समथिंग 5.8 मिली एम्पीयर, ठीक हो गया। यानी कि अब आप देख कर इसको किस तरह बताएंगे, अब आपने देख लिया कि इसको थोड़ा अगर साफ कर दें तो ये, यानी कि अब आपने देख लिया कि ये जो हमारा ओरिजिनल सर्किट था यहाँ पे हमारा करंट आ गया 5.8, ठीक हो गया। अब 5.8 मिली यहाँ से आ गया और इसके बाद ये 5.8 मिली में से यहाँ पे कितना जाएगा और यहाँ पे कितना जाएगा। अब इसके भी दो रूल है हमारे करंट के, दो तरीके से हम इसको देख सकते हैं। एक हम इस तरीके से देख सकते हैं ये जानने के लिए कि यहाँ पे करंट कितना पास हो रहा है। एक तरीका हमारे पास ये है कि हम ये देखें कि 5.8 मिली यहाँ पे आया तो कुछ हिस्सा उसका यहाँ पे जाएगा और कुछ हिस्सा उसका यहाँ पे जाएगा। ये जो पूरी वैल्यू है ये 7 की है, ये जो पूरी वैल्यू है ये 2 की। अच्छा, ये हम देख रहे थे कि एक सर्किट था हमारे पास ये 2K 3K 4K, ये हमारे इस कॉन्फ़िगरेशन में लगा हुआ, ठीक है। और हम ये जानना चाह रहे हैं कि यहाँ से टोटल कितना करंट गुजर है और 2K में से 3K में से और 4K में से कितना कितना करंट गुजर है, ठीक है।
उसके लिए हमने ये देखा था कि यहाँ पे 12 वोल्ट और ये जो रेजिस्टर लगे, हमने सबसे पहले ये काम किया था कि हमने 4K और 3K को ऐड कर लिया था, इन दोनों को ऐड करके हमारे पास वैल्यू आ गई 7, ठीक हो गया, क्योंकि सीरीज में लगे हुए हैं। अब ये दो सीरीज में लगे हुए हैं, इन दो को हमने एक रजिस्टर सपोज कर लिया, यानी एक रजिस्टर ये लगा हुआ है 7K का और एक ये लगा हुआ है 2K का, और दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। टोटल रेजिस्टेंस हमने इस तरह मालूम की 1/r टोटल इज इक्वल टू 1/2 + 1/7। 1/7 इसलिए क्योंकि ये सीरीज में दोनों को ऐड कर लिया हमने, ठीक है। और हमने ये देखा दो रेजिस्टर सिर्फ लगे हुए और दोनों आपस में पैरेलल हैं, दोनों आपस में पैरेलल हैं, उनके लिए हमने पैरेलल का फार्मूला लगाया और RT हमारे पास, RT यानी रेजिस्टेंस टोटल हमारे पास आ गया, ठीक है। वो हमने फार्मूले में पुट की I = V/R, तो हमारे पास जो करंट है वो आ गया 12/r टोटल हमारे पास, और टोटल हमारे पास आई है 1.55 किलो ओम, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, हमने RT टोटल पुट की और करंट जो हमारे पास आया वो हमारे पास आ गया 7.7 मिली एम्पेयर। यानी कि ये जो करंट गुजर रहा है, ये जो बेसिकली ये निकल रहा है टोटल करंट है जो कि सोर्स में से निकल रहा है, ठीक है। अभी हमने ये बात नहीं की कि यहाँ पे कितना करंट जाएगा और यहाँ पे कितना करंट जाएगा, ठीक हो गया, इन सब में से कितना पास हुआ। यहाँ पे हमें अभी यहाँ स्टेज तक हम आ गए कि हमें ये पता लग गया कि यहाँ से 7.7 मिली एम्पेयर करंट पास हो रहा है, मगर अब सवाल ये है कि यहाँ पे कितना करंट उसका जाएगा और यहाँ पे कितना जाएगा। कुछ हिस्सा इसका यहाँ पे जाएगा, कुछ हिस्सा इसका यहाँ पे जाएगा, ठीक है। अब उसको देखने के दो तरीके हैं, 7.7 मिली एम्पेयर यहाँ पे आया तो यहाँ पे कितना जाएगा और यहाँ पे कितना जाएगा, हम देखते हैं इसकी वैल्यू क्या है और इसकी वैल्यू क्या है। इन दोनों में से इसको दो पाथ मिले हैं। अब आप देखें कि 7.7 मिली एम्पेयर आया, इसको दो पाथ मिल रहे हैं, एक ये पाथ मिल रहा है और एक ये पाथ मिल रहा है। जो पाथ ज़्यादा आसान होगा उसमें से ज़्यादा करंट पास होगा, और जो पाथ आपका जो है वो ज़्यादा रेजिस्टेंस का होगा उसमें से कम आपका जो है वो करंट पास होगा, ठीक है। जी ये हम देख रहे थे। अब हमने ये देखा कि ये रेजिस्टेंस 2K है और ये जो टोटल रेजिस्टेंस है ये 7K है, ठीक है। अब जो रेजिस्टेंस कम होगी वहाँ पे ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, और जो रेजिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी वहाँ उस पाथ में करंट उतना कम जाएगा। वो इस तरह के यहाँ पे अब आप देखिए 2K का रेजिस्टर लगा हुआ है और यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे जो टोटल बांध रहे हैं 7K का बांध रहे, ठीक है। अब इनकी अगर हम रेशो निकाल लें, यानी टोटल ये कितनी है 9, टोटल इसकी वैल्यू अगर हम ले लें 9 किलो ओम, ठीक है। उसमें अभी हमने उनको उस तरह ऐड नहीं किया, हमने सिर्फ ये देख रहे हैं कि टोटल मतलब ये कि टोटल इनकी वैल्यू क्या है ना, 2K ये और 7K। अब इसको वैसे ऐड नहीं करें, अभी हम सिर्फ इसको देखना चाह रहे हैं कि कितनी रेशो इसकी और कितनी रेशो इसकी है, ठीक है। अब उस लिहाज से हम इस तरह देखेंगे कि अब आप देखें कि ये 7K हो गया, ये 2K हो गया, टोटल 9 है। अब आप देखें कि 2K का 9K में कितना रोल है, इसकी रेशो हम इस तरह निकाल लेंगे, हम करेंगे 2/9 कर लेंगे, और एक हम कर लेते हैं 3 और 4 के लिए हम कर लेते हैं, जो 7K है इसके लिए हम कर लेते हैं 7/9, ठीक है। इसको हम डिवाइड करेंगे 100/9, ये हमारे पास आ गया 0.2 और ये हमारे पास आ जाएगा 0.77, ठीक है। ये हमारे पास 0.77 आ जाएगा, यानी एक में से आप देख लें कि एक जगह में से 20% इसको आप कर लें, 20% करंट पास करेगा, और एक पाथ में से तकरीबन 77% या 80% करंट आपका पास करेगा, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि 20% करंट कहाँ से पास करेगा और 77% करंट कहाँ से पास करेगा, या 80% का मतलब आपस में टोटल 100% होगा, वो कहाँ से पास करेगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे तो ये जो रजिस्टर लगा हुआ है ये एक्चुअल ये इस टोटल इस और इस पाथ में से ये आप देखें तो ये आपका 20% बनता है और ये आपका बनता है 70%, ठीक है। मगर करंट जो पास करेगा, करंट का रूल उल्टा है, करंट का रूल ये है कि जो जिस पाथ में रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है उस पाथ में कम करंट जाता है, और जिस पाथ में रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है वहाँ पे करंट कम जाता है, और जिस पाथ में कम रेजिस्टेंस होती है वहाँ पे करंट ज़्यादा जाता है। इसलिए अब टोटल रेजिस्टेंस का ये 20% है और टोटल रेजिस्टेंस का ये जो है ये तकरीबन 80% है, ठीक है। अब हम इसको इस तरह लेकर चलेंगे कि अब हम देखेंगे कि टोटल करंट 7.7 मिली एम्पेयर, इसका हम 20% निकाल लेंगे और इसका हम 80% निकाल लेंगे। 7.7 मिली एम्पेयर का हम निकाल लेते हैं, 7.7 मिली एम्पेयर इसका हम 80% निकालते हैं, और 7.7 मिली एम्पेयर जो है इसका हम 20% निकाल लेते हैं, ठीक है। इसका हम 80% निकाल रहे हैं तो 80% हमारे पास आ रहा है 6.16 मिली एम्पेयर, और इसका हमने जब 20% निकाला तो 20% हमारे पास आ रहा है
20% हमारे पास आ रहा है 1.4 मिली एम्पीयर, ठीक है, ये दो करंट आ रहे हैं। अब हमें ये तो पता लग गया कि दो करंट आ रहे हैं, एक पाथ में से 6.16 मिली एम्पीयर पास होगा और दूसरे पाथ में से 1.5 मिली एम्पीयर करंट पास होगा। मगर अब आप देखें कि ज़्यादा किस में से पास होगा और कम किस में से होगा। 1.4 मिली एम्पीयर जो है ये करंट ज़्यादा है, ये करंट कम है, ये उस जगह में से पास होगा जहाँ की रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। अब आप देखें कि इन दोनों पाथ में से जब करंट यहाँ तक आया तो इसने देखा कि यहाँ पे तो रेजिस्टेंस ज़्यादा 2K है, यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस कितनी है, यहाँ पे टोटल 7K है, जो इससे भी बहुत ज़्यादा है। अब ये होगा कि जो 20% करंट होगा वो इस अगले पाथ में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस, इस पाथ की जो रेजिस्टेंस है, इस पाथ की जो रेजिस्टेंस है वो आपकी मैक्सिमम है, ज़्यादा है, 7K है, ठीक है। तो कम करंट यहाँ पे जाएगा, यानी 1.5 मिली एम्पेयर जो है आपका वो इस पाथ में से जाएगा, इस पाथ में से आपका 1.5 मिली एम्पेयर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। अब जो बकाया बच्चा हमारे पास 6.16 मिली एम्पेयर वो उस जगह में से जा रहा है यहाँ पे से, क्योंकि यहाँ की रेजिस्टेंस कम है, ठीक हो गया। यहाँ पे हमारे पास आ गया 6.16 मिली एम्पेयर और 1.5 मिली एम्पेयर यहाँ पे गया जहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा थी, और एक ज़्यादा जो करंट है वो आपका इस जगह से आ गया जहाँ पे रेजिस्टेंस कम थी, ठीक हो गया। ये रूल है, ये तो एक जनरल तरीका था कि हमने टोटल करंट देखा और उसके बाद हमने देख लिया किस जगह में रेजिस्टेंस कितनी है, ज़्यादा या कम है, उसको हमने रेशियो ले ली उसकी, और उसके बाद हमने ये देखा कि जिस जगह में रेजिस्टेंस ज़्यादा है वहाँ पे कम करंट पास होगा रेशियो के लिहाज से, और जिस जगह में रेजिस्टेंस की वैल्यू कम है वहाँ पे करंट रेशियो के लिहाज से ज़्यादा जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका इसको इससे निस्बतन आसान जो है वो इस तरह है कि आप देख लें कि अब यहाँ पे हमें पता लग गया 7.7 मिली एम्पेयर यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। अभी आप ये छोड़ दें कि करंट की डिवीजन किस तरह हो रही है। दूसरा मेथड हमारे पास ठीक है। फर्स्ट मेथड हमने इस तरह किया था कि हमने टोटल करंट लिया था, ठीक है, पहला। फिर उसके बाद पहले मेथड के अंदर ये इंक्लूडेड है, पहले हमने टोटल करंट लिया था, उसके बाद हमने जो रेजिस्टेंस थी, सारी रेजिस्टेंसेस जो थी उनकी हमने रेशियो ले ली, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि जहाँ पे रेजिस्टेंस जो है वो आपकी रेजिस्टेंस स्मॉल होगी तो मैक्स करंट वहाँ से पास होगा, ठीक है। और जहाँ पे आपकी रेजिस्टेंस जो है वो मैक्स होगी, ठीक है, वहाँ पे आपका जो करंट है वो कम पास होगा, ठीक है, मिनिमम करंट आपका पास होगा, ठीक है। ये रूल हमने देखा, उस लिहाज से हमने रेशियो के साथ मल्टीप्लाई किया और हमें दोनों साइडों का आ गया, ठीक है। अब सेकंड मेथड जो हम करेंगे वो इससे निस्बतन आसान है, तो वो हम देख लेंगे। ये आपके आइडिया के लिए था, अपना सेकंड मेथड से करना चाहिए वो इजी, आप उस तरह उसको लेकर चल सकते हैं। सेकंड मेथड में हमने ये किया कि जहाँ पे हमने टोटल रेजिस्टेंस ले ली, 7.7 मिली एम्पीयर आ गया। अब दोबारा हम ये जानना चाहते हैं कि यहाँ पे कितना करंट पास होगा, यहाँ पे कितना करंट पास होगा, ठीक हो गया। तो अब हम करंट की डिवीजन को छोड़ देते हैं, अब हम इस तरह इसको लेकर चलते हैं कि 2K में से कितना करंट पास होगा। आप ये देखें 2K को वोल्टेज कितनी मिल रही है, 2K को यह वायर देखें, इसके दरमियान में कोई चीज़ नज़र आ रही है, ये वायर आपकी पूरी आ रही है यहाँ तक, 12 वोल्ट आ गए, ये वायर आपकी पूरी यहाँ तक आ रही है, 0 वोल्ट आ गए। 2K को वोल्टेज कितनी मिल रही है, 12 वोल्ट, ठीक है। तो 2K के लिए हम जो करंट निकालेंगे वो हम निकाल लेंगे वोल्टेज ओवर रेजिस्टेंस आ कि हमारे पास 6 मिली एम्पेयर, ये हमारे पास इसका करंट आ गया, ठीक है। ये थोड़ा आसान तरीका आप देख लें। दूसरा हम ये जानना चाह रहे हैं कि इस पाथ में कितना करंट आ रहा है, इस पाथ की टोटल रेजिस्टेंस आपने देखी, ये रेजिस्टेंस कितनी है 7K, इसको वोल्टेज कितनी मिल रही है, यहाँ पे कितनी वोल्टेज आप मिल रही है ये देखिए, और यहाँ पे कितनी वोल्टेज मिल रही है इसको, 7K का लगा हुआ, यहाँ पे कितनी रेजिस्टेंस मिल रही है, यहाँ पे आप देखें ये 12 वोल्टेज की वायर आ रही है यहाँ तक, ठीक हो गया। ये 0 ग्राउंड की वोल्टेज भी इसको आ रही है, इसका मतलब है यहाँ भी इसको जो वोल्टेज मिल रही है, ये जो इसको वोल्टेज मिल रही है, यहाँ भी इसको 12 वोल्ट मिल रही है, ठीक हो गया। ये वोल्टेज भी 12 वोल्ट मिल रही है, हमने उसी तरह सिंपल ये वोल्टेज आ गई हमारी 12 मिल रही है। टोटल रेजिस्टेंस कितनी है, टोटल रेजिस्टेंस जो है वो 7K है, ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस 7K है, और ये आपका 1.7 मिली एम्पेयर इस तरह ये आपकी करंट आ जाएगा जो इस पाथ में से पास कर रहा है, ठीक हो गया। तीसरा अगर आप मजीद जानना चाहते हैं कि ये आ गया, ठीक है, ये करंट इसमें से गुजर रहा है इस पाथ में से। अब इन दोनों में अब जो वोल्टेज यहाँ पे आई है 12 वोल्ट, वो मजीद एक आखिरी पॉइंट ये कि आप ये देख लेना कि इसको टू
2k को पूरी मिलगी वोल्टेज 12 वोल्ट, मगर इन दोनों में डिवाइड हो जाएगी। इन दोनों में किस तरह डिवाइड होगी, एक 3k का एक 4k का, एक है हमारे पास 3k और दूसरा हमारे पास 4k, ठीक है। तो इसका करंट हमने निकालना है और इसका करंट हमने निकालना है, कि वोल्टेज हमने निकालनी है दोनों को कितनी मिल रही है। करंट किस तरह हमने निकाला, 1.7 मिली एम्पीयर करंट हमें पता लग गया, करंट सीरीज में सेम होता है दोनों में, इन दोनों में से करंट निकल रहा 1.7 मिली एम्पीयर हो गया। अब वोल्टेज हम किस तरह मालूम करेंगे, वोल्टेज हम इस तरह लगाएंगे V=IR और ये हमारे पास जो करंट है वो हमारे पास आ गया 1.7 मिली एम्पीयर, ठीक है। रेजिस्टेंस कौन सा है, यहाँ पे 3k का लगा हुआ है, ये 3k हमने पुट किया और V की हमारे पास वैल्यू आ गई। इसी तरह V=IR हमने किया और हमने देखा कि करंट हमारे पास कितना है, 1.7 मिली एम्पीयर है क्योंकि सीरीज में है, और रेजिस्टर हमने देखा कौन सा लगा है, तो रेजिस्टर दूसरा लगा 4k का, 4k की हमने वैल्यू डाली तो ये हमारे पास दूसरा वोल्टेज मिल गया। यानी कि इन दोनों के वोल्टेज जो इनको मिल रहे हैं वो डिवाइड होके मुख्तलिफ मिल रहे हैं, टोटल 12 वोल्ट है मगर दोनों के डिवाइड होके मुख्तलिफ मिल रहे हैं, ठीक है, वो हम देख लेते हैं। और जो करंट दोनों को मिल रहा है, करंट सेम पास हो रहा है क्योंकि एक सीरीज है, करंट इनमें से 1.7 मिली एम्पीयर पास हो रहा है। हमारे पास करंट है और रेजिस्टर की वैल्यू है, तो वोल्टेज हम दोनों की निकाल लेंगे, वी फोर 3k और वी फोर 4k, ये हमारे पास दोनों की निकल आएगी। एक चीज़ है कि आपको जहन में रखिए, मिसाल है अगर आपके पास एक आपको बैटरी दी गई है, ठीक है, और यहाँ पे आपने एक रजिस्टर लगाना है 12 वोल्ट की, आपको बैटरी दी गई है रजिस्टर लगाना है। एक क्वेश्चन आपके पास सिंपल सा है, एक है आपके पास 1k का रजिस्टर, ठीक है, और एक आपके पास है 12k का रजिस्टर, ठीक है। और अभी आपने कि आपको जिसने आपको क्वेश्चन दिया जाता है आपको कहते हैं, अभी आपने याद रखना है कि आर की वैल्यू और होती है और जो लोड होता है वो और होता है। क्वेश्चन ये है कि ये बैटरी ले हुई, यहाँ पे इन दोनों में से एक रजिस्टर आपने लगाना है, ठीक है, मगर आपने बड़ा लोड लगाना है, ठीक है। आपको क्वेश्चन ये है कि आपने बड़ा लोड लगाना है, यहाँ पे बड़ा लोड लगाना है, ठीक है, इस जगह में इन दोनों में से बड़ा लोड लगाना है। अब आमतौर पे लोग जो आप मतलब इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म से जिनका ताल्लुक नहीं है, आप जिससे भी आप बात करेंगे वो पहली नज़र में देख के बता दें कि जी के बड़ा लोड लगाना है तो 12k बड़ा लोड है, 12k यहाँ पे लगाएंगे, नहीं। अब लोड और तरह से डिफाइन होता है, रजिस्टर और तरह से डिफाइन होता है। लोड हम उस चीज़ को बोलते हैं ज़्यादा लोड जो बैटरी में से ज़्यादा करंट ड्रा करा दे, उस चीज़ को हम ग्रेटर लोड कहते हैं। अभी आप देखें कि 1k कितना, ये अगर रजिस्टर हम लगाते हैं तो कितना करंट बैटरी में से निकलवाएगा, ये निकलवाएगा जनाब अली I=V/R 1k और ये आ जाएगा आपका 12 मिली एम्पीयर, ठीक है। और इसी की जगह अगर हम 12k का रजिस्टर पुट करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 12, ये हमारे पास आ जाएगा 1 मिली एम्पीयर। यानी कि अगर हम लगाए 1k का रजिस्टर, ठीक है, तो करंट ज़्यादा पास हो रहा है, करंट ज़्यादा पास हो रहा है, और अगर हम लगाते हैं 12k का रजिस्टर तो करंट कम पास हो रहा है, ठीक है। ग्रेटर लोड इनमें से कौन सा है, ग्रेटर लोड इनमें से वैल्यू के लिहाज से नहीं, ग्रेटर लोड वो है जो करंट ज़्यादा पास कराए। इन दोनों में से करंट जो ज़्यादा पास कराएगा वो 1k का रजिस्टर ज़्यादा करंट पास करेगा, ठीक है। तो इन दोनों में से जो हम चुनेंगे ज़्यादा लोड के लिए वो 1k को चुनेंगे, 1k यहाँ पर लगाएंगे, 1k यहाँ पर लगाएंगे तो 12 मिली एम्पीयर पास होगा, ज़्यादा करंट पास होगा और ये बड़ा लोड है। अगर छोटे लोड का इसमें बोलेंगे तो तब हम 1k को छोड़कर 12k लगाएंगे, क्योंकि 12k जो है वो स्मॉल करंट पास कर रहा है, ठीक है, और हम वो लगाएंगे तो वो हमारा छोटा लोड है। इसी तरह अब बस आपने याद रखना है कि जो रजिस्टर बड़ी वैल्यू का होगा वो कम करंट को पास करेगा, छोटी वैल्यू का वो ज़्यादा करंट को पास करेगा, ठीक है। तो लोड उस चीज़ को बोलते हैं, ग्रेटर लोड हम उस चीज़ को बोलते हैं कि जो आपका मैक्स करंट जो चीज़ आपका ड्राइव कराए, ठीक है, वो ग्रेटर लोड होता है। और स्मॉल लोड वो होता है आपका, स्मॉल लोड वो होता है कि कोई भी आप ऐसी चीज़ लगा रहे हैं जो आपका मिनिमम करंट ड्राइव करा रहा है, उसको हम स्मॉल लोड कहते हैं।